The disturbance y axis of the wave propagating in the positive x direction is given by y is equal to 1 upon x square at time t is equal to 0. तो हम लोग जानते हैं किसी भी वेव डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि y is equal to फंक्शन ऑफ x एंड t, ओके. और अगर t is equal to 0 हो, t is equal to 0 तो हम लिखते हैं y is equal to फंक्शन ऑफ fx इन fx एट t is equal to 0, है ना. टाइम t इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन ये हो जाता है, ठीक बात. चलिए, लेकिन अगर ये कहते हैं कि अगर हमारा जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, जो हमारा वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो राइट डाउन करिए अब क्या होगा इसका इक्वेशन वेव फंक्शन का. तो वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस ए एक्स माइनस क्या बी टी, है ना, ए एक्स माइनस बी टी. अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं कि हमारा जो वेव फंक्शन है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जो फंक्शन होगा वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स माइनस बी टी होगा. अगर मैं कहता हूं कि ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होता है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो फंक्शन को हम लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस वी टी, ओके. चलिए, तो अब क्या दिया देखते हैं जरा. दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू कितना है, दिया है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, कितने t इज इक्वल टू 0 पे, है ना, t इज इक्वल टू 0 पे. और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि यही फंक्शन सेम फंक्शन अगर हमारा जो वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा हो v वेलोसिटी से, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, इस फंक्शन को लिखेंगे y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x की जगह पे क्या हो जाएगा x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, है ना, एट t इज इक्वल टू कितने पे, t इज इक्वल टू t पे, ओके. t इज इक्वल टू t पे ये फंक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 प्लस x माइनस वी टी का होल स्क्वायर इन पॉजिटिव x डायरेक्शन एट टाइम t. और यहां पे क्या दिया है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे क्या दे रखा है फंक्शन, y इज इक्वल टू दिया है 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये दिया है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, ओके. तो अब अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 1 है बच्चों और इसको मैं बोल दूं इक्वेशन नंबर 2 है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहां अगर कंपेयर करें तो vt की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं vt इज इक्वल टू कितना 1, ओके. और क्या t की वैल्यू कितना दे रखा है 2 सेकंड, तो वैल्यू पुट करिए v into 2 is equal to 1 या v is equal to कितना हो जाएगा 1 upon 2 या v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 मीटर पर सेकंड, ओके. अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया होगा तो सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर दिया है मीटर में, ओके. चलिए एक बार और समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए बच्चों क्या है कि जब कोई भी हमारा डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टी, है ना, जहां अगर टी इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके. अगर ये वेव फंक्शन, अगर हमारा ये वेव फंक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता हो, अगर ये हमारा वेव फंक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल करता हो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ट्रेवल करता हो, ये इधर प्रोपोगेट करता हो, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू कितना एफ ए एक्स माइनस वी टी, ओके. और अगर यही वेव फंक्शन हमारा जो है अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपोगेट करता हो तो अपन लोग क्या लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ कितना ए एक्स प्लस वी टी, ओके. और यहां पर दे रखा है कि टी इक्वल टू 0 पे जो यहां पे फंक्शन दे रखा है वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और टी इक्वल टू 2 पे दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ओके बच्चों. तो देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस फंक्शन की बात करें और मैं कहता हूं अगर ये फंक्शन पॉजिटिव x डायरेक्शन दे रखा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर ये प्रोपोगेट करता है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में अगर ये प्रोपोगेट करता है v वेलोसिटी से, v स्पीड से, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इस फंक्शन को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस वी टी का होल स्क्वायर, ओके. और ये फंक्शन, इस फंक्शन को हमने कंपेयर किया इसके दिए गए फंक्शन से, तो vt की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे देखिए 1 आई. और ये t इज इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वेव की, तो हम लोग लिख सकते हैं t की वैल्यू 2 और आ गया कितनी स्पीड की वैल्यू, सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू 1/2, वैल्यू आ गई 0.5 मीटर पर सेकंड, ओके. ऑप्शन कौन सा सही है,
तो ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।